अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अब्दुल्ला ग्राफिक यूट्यूब चैनल। मेरा नाम आसिफ इकबाल है। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक नए ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हैं और इस ट्यूटोरियल में आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इंतहाई इंपॉर्टेंट फंक्शन एग्रीगेट को सीखने के लिए जा रहे हैं। तो आइए ये फंक्शन क्या काम करता है, इस मकसद के लिए चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्क्रीन पर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मेरे पास यहाँ पर एक कुछ आइटम की लिस्ट मौजूद है, जैसे पेन टैब है, हैंड फ्री है, माउस है, कीबोर्ड है, पावर केबल है और यहाँ पर इन आइटम्स के प्राइस मौजूद हैं। अब मैं इस लिस्ट का सम करना चाहता हूं, लेकिन इस लिस्ट के अंदर कुछ एरर वाली वैल्यूज मौजूद हैं, जैसे कि ये माउस की वैल्यू है। अगर आप इस सूरत हाल में आप इस पे सम अप्लाई करेंगे तो देखें यहां पर एरर आएगा। एग्रीगेट का फंक्शन क्या करेगा कि किसी भी लिस्ट में जिसका आप सम करना चाहते हैं अगर एरर वाली वैल्यूज भी मौजूद है उसके बावजूद वो उस लिस्ट का सम कर सकता है। इक्वल का साइन लगाएं, एग्रीगेट का फंक्शन है, डबल क्लिक करें। यहां पे आप करना क्या चाहते हैं, सम करना चाहते हैं, डबल क्लिक करें, कोमा लगाएंगे, फिर एक और नई लिस्ट ओपन होगी। अब आप करना क्या चाह रहे हैं कि जो एरर वाली वैल्यूज हैं उसको इग्नोर करें, उसके बाद फिर कोमा लगाना है और वो लिस्ट देनी है जिसका आपने सम करना है, ब्रैकेट को आपने क्लोज कर देना है, एंटर करना है। तो अब आप ये देखें कि ये माउस वाली वैल्यू जो कि एक एरर वैल्यू है उसके बावजूद इसने इस तमाम लिस्ट का सम कर दिया। अब इन नियर फ्यूचर अगर आपको माउस की वैल्यू पता चल जाती है, अगर ये वैल्यू करेक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इस वैल्यू को करेक्ट कर लेता हूं या $50 लिखता हूं, एंटर करूंगा, तो ऑटोमेटिकली एग्रीगेट का फंक्शन आपके रिजल्ट को अपडेट कर देगा। तो ये होता है एग्रीगेट का फंक्शन। एग्रीगेट का फंक्शन ऐसी लिस्ट जिसमें एरर मौजूद है और उस लिस्ट को अगर आप सम करना चाहते हैं, सबट्रैक्ट करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं और डिफरेंट फंक्शन उस पर अप्लाई करना चाहते हैं लेकिन एरर वाली वैल्यू के बावजूद वो अप्लाई नहीं हो रहे, देन एग्रीगेट का फंक्शन आपकी हेल्प करेगा। हमारे अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।